नमस्कार कक्षा दसवीं वाले छात्र, जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का रुक जाना नहीं, मई जून 2024 क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला, समय 3 घंटे का, और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला सही विकल्प दिया है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सा वाला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दूसरा आपका सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उद्योग है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा आंवला डीएपी उद्योग। अब आपका तीसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा ब वाला, 1929। अब आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई। तो इसमें आपको राइट आंसर यहां पर लिखना होगा आ वाला, इंग्लैंड। अब आपका पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूची कब छवि थी। तो इसको उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सा वाला, 1868 ईस्वी में। अब आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, शिक्षा किस सूची का विषय है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा सा वाला, समृद्धि सूची का। अब इस क्वेश्चन पेपर का अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहाँ पर आंसर की भी मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा सा वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दूसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला डीएपी उद्योग, और तीसरे में आपको लिखना होगा ब वाला 1929, चौथे में आपको लिखना होगा आ वाला इंग्लैंड, और पाँचवें में आपको लिखना होगा स वाला 1868 ईस्वी में, और छठे में आपको लिखना होगा स वाला समृद्धि सूची। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया, जिसमें क्या करना आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें हमारा पहला रिक्त स्थान दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ग्राम स्वराज की अवधारणा खालतन की देन है। तो पहले में आपको लिखना होगा महात्मा गांधी, क्या लिखना है, महात्मा गांधी आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा पूरे क्वेश्चन पेपर को। और दूसरा आपका दिया है बेल्जियम खालतन महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा यूरोप, क्या लिखना है, यूरोप आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है, जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाता है तो उसे खालतन कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना होगा सांप्रदायिकता आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और चौथा आपका दिया है, भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालतन घोषित किया है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा संघ आपको लिखना है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है, गैर नवीनीकरण साधन कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात खालतन हो जाते हैं। तो पांचवे में आपको लिखना होगा समाप्त, क्या लिखना है, समाप्त आपको लिखना है। और सिक्स वाला क्वेश्चन आपका दिया है, मधुमक्खी पालन खालतन क्षेत्र में आता है। तो छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर प्राथमिक आपको लिखना है, प्राथमिक क्षेत्र का आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, क्वेश्चन 3, जिसमें आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो को लास्ट में, मतलब आपको सही से यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 दिया, जिसमें आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। तो अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 दिया था, जिसमें आपको खालतन की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इनके आंसर अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, और क्वेश्चन 2 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा। पहला आपका दिया, मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो बिल्कुल ही हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा बिल्कुल, चौथा भी आपका सत्य, पांचवा भी आपका बिल्कुल सत्य, और छठा आपको लगाना होगा परीक्षा में असत्य लगाना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सही जुड़ का मिलान करना है। तो यहाँ पर सही जुड़ का मिलान कर लीजिएगा, चिपको आंदोलन, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे वाला, वन कटाई रोकथाम, और बी वाला आपका दिया है स्पिनिंग जेनी, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे वाला, ऊन कटाई मशीन, और सी वाला आपका दिया सूचना का अधिकार, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर पहले वाला सन 2005 आपको लिखना है, और डी वाला आपका दिया है सर्वाधिक साक्षर राज्य, तो इसमें आपको लिखना होगा पाँचवें वाला,
और ई वाला आपका दिया है विमुद्रीकरण, तो इसमें आपको लिखना होगा 2016 आपको लिखना है। और एफ वाला आपका दिया है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, तो इसमें आपको लिखना होगा तीसरे वाला 1995। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूँ मैं, तो नीचे हम चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सही जोड़ी का अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, तो ये हमारी सही जोड़ी दी गई है और इसके नीचे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो इसमें आपको लिखना होगा ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो। दूसरा आपका दिया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसमें आपको लिखना होगा नर्मदा। और तीसरा क्वेश्चन आपका दिया और आंसर भी आपको साथ में मिल जाएगा। और इसके साथ ही तीसरे की बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर चौथा देख लीजिएगा करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है, तो इसमें आपको लिखना होगा भारत छोड़ो आंदोलन। और पांचवा आपका दिया है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई, तो इसमें आपको लिखना होगा चीन। और सिक्स वाले में आपको लिखना होगा तीन आपको लिखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अब 6 से लेकर 23 तक के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा छठा क्वेश्चन दिया है जिसमें क्या पूछा है संसाधन से क्या आशय, ठीक है। तो संसाधन के आपको परिभाषा लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मृदा संरक्षण के कोई दो उपयोग आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 6 के बाद आगे हम चलेंगे यहाँ पर 7वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा हरित क्रांति से क्या आशय, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा खनिज और कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सही से नहीं दिखा दे रहा है, कोई दिक्कत ना, इसका अते वाला क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अब आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन यहाँ पर सही से नहीं दिखा दे रहा है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा संचार और यहाँ पर दूरदर्शन के बारे में यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, और अते वाले क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सूचनाओं के नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन दिया है महासागरों से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही इसके अतः क्वेश्चन आपका दिया है, और इसके साथ ही आपका यहाँ पर हमारा यहाँ पर 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा 11वीं की बार आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 12वीं की बार आपका 13वां क्वेश्चन दिया है 13वीं की बात, दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपका दिया है हरित क्रांति से क्या से, और इसका 8वां क्वेश्चन आपका दिया, 8वां क्वेश्चन आपका दिया खनिज आधारित दो उद्योगों के नाम आपको लिखना है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, और 9वां क्वेश्चन आपका दिया संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की दो विशेषता आपको बताना होगा, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम आपको लिखना है, 10वां क्वेश्चन आपका दिया सत्याग्रह से क्या तात्पर्य है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है 11वां क्वेश्चन आपका दिया है आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। इसके साथ आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिएगा गुमास्ता कौन थे, इसके साथ इसका 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, और 13वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा 13वें के बाद हम चलते हैं यहाँ पर 14वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा 14वां क्वेश्चन दिया चुनाव आयोग क्या है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है दबाव समूह क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 15वां क्वेश्चन आपका दिया है नागरिकों की गरिमा और आजादी से क्या तात्पर्य लिखी है, 8वां क्वेश्चन आपका दिया है वैध सरकार किसे कहते हैं। और 16वां क्वेश्चन आपका दिया है 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन, ठीक है। 19वें के बाद यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपका दिया है मुद्रा से क्या से, प्राचीन एवं आधुनिक मुद्रा के बारे में आपको बताना होगा। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र में आपको यहाँ पर क्या करना है अंतर बताना है, ठीक है। और 20वें के बाद हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन दिया है भारतीय सड़क परिवहन की समस्या आपको बताना है, और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है इसके साथ आपका यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर 22 क्वेश्चन आपका दिया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया या प्रथम जन आंदोलन कैसे था, इसके बारे में आपको लिखना है। इसका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, इसके बारे में आपको बताना है। और 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा भारतीय मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शक के लिखना है, ठीक है। और इसका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसका आंसर भी आपको बता देंगे, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शा के लिखी है
जिसमें आपको क्या करना है, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और बागड़ा नागल बांध और नागार्जुन सागर बांध, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 23वें क्वेश्चन के यहाँ पर और वाला का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा में यहाँ पर भारत का एक मानचित्र दिए जाने वाला है, जिसमें इन सभी को दर्शा के लिखना है, ठीक है। बागड़ा नागल और हीराकुंड और नागार्जुन सागर और सरदार सरोवर। तो इस प्रकार से हमारे कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल असली वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।